नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है और ये सिलसिला लॉकडाउन से शुरू हुआ जो अब खत्म नहीं हो रहा है और लोगों की एक आदत सी बनती जा रही है कि वो ऑनलाइन कोर्स करें और ये लाभदायक भी है, कई मायनों में ये आसान भी है। आप जॉब के साथ कर सकते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आपको सेम वही फैकल्टीज मिलते हैं जो कि आपको ऑन कैंपस कोर्स में मिलता है, सेम वही सब्जेक्ट मिलता है जो आपको ऑन कैंपस में मिलता है। इसके अलावा आपकी डिग्री की वैल्यू भी वही होती है जो आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जाकर के ऑन कैंपस कोर्स करते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स जो बहुत सारे लोगों के मन में एक संदेह हुआ करता है या बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि ऑनलाइन कोर्स मतलब डिस्टेंस कोर्स जिसका कि मान्यता नहीं होगा या फिर जॉब के समय इससे उनको तकलीफ होगी, चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण ये सारी परेशानियाँ, ये सारे सवाल उनके मन में आता है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स में दरअसल कोई फर्क नहीं है सब्जेक्ट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के या फिर उसकी क्वालिटी को लेकर के। जो भारत सरकार का रूल है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि 5 साल से किसी ऑन कैंपस किसी कोर्स को चला रही है, दे आर अलाउड टू रन ऑनलाइन कोर्स फॉर द सेम सब्जेक्ट विद सेम फैकल्टी। ऑनलाइन कोर्स का सबसे बड़ी खासियत यही है कि ऑनलाइन कोर्स में आपको वही सारे फैकल्टीज, वही सारे प्रोफेसर, वही लेक्चरर्स और वही सिलेबस फॉलो किया जाता है जो कि सेम कोर्स के लिए ऑफलाइन में किया जाता है और उसका मार्केट में वैल्यू वही है जो ऑन कैंपस कोर्स का होता है। इसलिए आप ऑनलाइन कोर्स को चुनें क्योंकि आज के समय की ये ज़रूरत बन गई है। कोई बिहार में रहता है, कोई यूपी में रहता है, कोई बंगाल में रहता है और उसका कॉलेज वहाँ से 2,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर दूर है। IIM के कोर्सेज हैं, मणिपाल के कोर्सेज हैं, कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको वहाँ तक जाना और एडमिशन लेना, घर में आप हो सकता है अकेले हों या आपके माँ बाप इतने सक्षम नहीं हों कि आपके इन सारी खर्चों को पूरा कर सकें, तो आपको घर बैठे सेम कोर्स को बहुत ही कम पैसे में, अप्रॉक्सीमेटली 10-20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑन कैंपस सब्जेक्ट, तो आपको इतने पैसे में अगर आपको वही चीज मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। हाँ, एक बेहतर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो और सिलेबस फॉलो किया जाना चाहिए, सारे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, लेकिन ऑनलाइन कोर्स को आपको चुनना चाहिए और इसे करना चाहिए। यह आपके कैरियर के लिए फायदेमंद है और आप वर्क एक्स ले सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आजकल तो भारत सरकार ने ये किया हुआ है कि एक साथ 2 यूनिवर्सिटी से आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर एक ऑफलाइन कोर्स एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। सो गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, इट्स ईजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड इट गिव्स यू द सेम एडवांटेज इन योर कैरियर व्हिच एन ऑन कैंपस कोर्स कैन डू। थैंक यू वेरी मच।